दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि गुरु का नक्षत्र है, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आइए जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राशियों क्रम में, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी कष्टमय रह सकता है। हो सकता है कि आज के दिन आप जिससे बातचीत करना चाहें या किसी के साथ डेट पर जाना चाहें उसके साथ में आपका मनमुटाव हो जाए और बहस बहुत ज़्यादा हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, और ख़ास करके जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ में टॉर्चर करें, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करें, और जितना ही आप झुकना चाहें उतना ही वो आपको और ज़्यादा दबाने की कोशिश करें। रिश्ते सुधारने की स्थिति को बार बार कहते हुए आप अगर रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं तो वो व्यक्ति थोड़ा ख़राब कर देगा, और ख़ास करके नो कॉन्टैक्ट में आने की आज जो अभिलाषा रखते हैं वो लोग, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि बातचीत तो होगी लेकिन बहस और बहस में ही पूरा दिन निकल जाएगा। कहीं से भी ऐसा ही नहीं लगेगा कि रिश्ता सुधारने की एक तरफ से कोई कोशिश कर रहा है। लव लाइफ में आज खास करके झगड़े होने वाले हैं, बहस होने वाली है, और खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और खर्चों की वजह से बहस और झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जो लोग फिजिकल रिलेशन इत्यादि आज के दिन बनाते हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हो सकता है कि आज फिजिकल रिलेशन की अगर आप रट लगाते हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने पार्टनर पर, तब भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है और झगड़े बढ़ सकते हैं, उस वजह से भी बहस हो सकती है। आज के दिन मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक यहाँ पर भी मनमुटाव रहेगा और किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या कोई यात्रा का प्लान बन रहा है या यात्रा करने जा रहे हैं या कहीं यात्रा करके कहीं दूर गए हैं घर से, मैरिड लाइफ में वहाँ पर भी परेशानी बन सकती, कोई पुरानी बात सामने आ सकती जिससे परेशानी बन जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ शानदार रहेंगी, यहाँ पर काफ़ी प्यार मिलेगा आज, और काफ़ी आपके लिए साथ में पार्टनर बहुत ज़्यादा मुलाकात करने के लिए मन करेंगे और बहुत ज़्यादा आज आपको प्यार दिखाएंगे, केयर करेंगे, तो ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आज लव लाइफ में शादी को लेकर कोई कमिटमेंट मिल सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति बनेगी। आज पार्टनर काफ़ी विवेकवान होगा और काफ़ी अपने विवेक से काम लेकर के आपको बहुत सारी बातों को समझाएगा और इससे सुधारने की बात करेगा। खास करके मैरिड लाइफ में आज कोई समझौता हो सकता है, आपका पार्टनर आपको फिर से वापस मिल सकता है, आपकी शादी टूटते टूटते बच सकती है, ये भी स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन स्थितियां थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, हो सकता है कि आज के दिन आपके पार्टनर आपका दिल दुखा दें, कुछ ऐसी बातें बोल दें जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की है उनसे, ऐसी कुछ बातें उनको आज सुनने को मिल सकती हैं आपको। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आएंगे, आज कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक आपके पार्टनर आपके साथ में आज लॉयल होंगे और बहुत ज़्यादा अपने जो विचार हैं, एक जो उनकी आदत है कि वो बातें छिपाते हैं और आपको एक बच्चा समझ के वो उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ नहीं करते हैं कि आपको उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं या उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो आज वो देंगे, वो अपने अंदर की बातें, दिल की बातें, गहराइयों वाली बातें आपको बताने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो सकती है, बहुत ज़्यादा आज पार्टनर हंसी मजाक करेंगे और आपके साथ में बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होगा, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आज खास करके पार्टनर पर विश्वास हो जाएगा, अगर रिश्ता खराब हो गया था उसे सुधार लेंगे। मैरिड लाइफ में कोई ससुराल पक्ष से समझौता हो सकता है, ससुराल
पक्ष से कोई दिक्कत या मतभेद चल रहे थे, कोई परेशानी थी, तो वो भी सॉल्व हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अचानक से आपके वाणी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं आज जो मजाक मजाक में होंगे, लेकिन बहुत आपके साथ में सीरियस घात कर जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा आपके साथ में कुछ आज हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी और मैरिड लाइफ की स्थितियाँ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। हो सकता है पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करे और पुरानी बातों को लेकर बार बार टॉर्चर करके ऐसा लगे कि वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है या पीछा छुड़ाना पूरी तरह से चाहा है उसने आज के दिन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर भी ठीक रहेगा, यहाँ पर सामान्य स्थितियाँ रहेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी प्यार मिलेगा और बहुत हद तक आज के दिन मैरिज को लेकर कोई कमिटमेंट मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन बहस और झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आज कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलाकात करने का प्लान बना रहे हैं तो कैंसिल कर दें। दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं तो डेट पर जाना कैंसिल हो सकता है। आज के दिन आपके लिए खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। हो सकता है कि आप बातचीत करते करते एकदम से फिर से बातचीत बंद हो जाए, या कोई थर्ड पार्टी की बात फिर से बात, या कोई पास्ट के बारे में कोई बात फिर से उखड़ाए। लव लाइफ में आज खास करके पार्टनर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुलाकात अचानक से टूट सकती है, मुलाकात का प्लान फेल हो सकता है, कोई ऐसी वजह बन सकती है, कोई खास करके हेल्थ प्रॉब्लम इत्यादि कुछ, या कोई अचानक से अड़चन आ सकती है आपकी मुलाकात में। मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी बहुत परेशानी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा दी जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपका ज़्यादा सीधा फन आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए आज बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने पार्टनर पर ज़्यादा यकीन भरोसा करके कुछ गलत निर्णय बिल्कुल भी ना लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी पार्टनर प्यार करेगा और काफ़ी आज आपके प्रति पार्टनर बहुत ज़्यादा समर्पित रहेगा। आज के दिन खास करके देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आएंगे। पार्टनर गिफ्ट उपहार दे सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है और अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकता है। आज के दिन अगर मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से कोई शर्त रखते हैं तो यकीनन वो आपकी शर्त को मानेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। शर्त मान करके अगर रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। अगर मैरिड लाइफ से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, तो उसमें आज कुछ आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं और चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो कोई थर्ड पार्टी आपका बार बार परेशानी के लिए कारण बन रही है और बहुत ज़्यादा लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी कुछ गलतियां हैं और वो गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं और वो गलतियों की भरपाई आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गलतियाँ आपने जाने अनजाने में की हैं वो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने जानबूझकर की हैं, उस वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और परेशान ऐसे करेंगे आपको जैसे आपका दिल दुखेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पर स्थितियाँ फिर भी आप संभाल पाएंगे, बहुत अच्छी रहेंगी। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, आज कोई दोस्त बन सकता है और ख़ास करके आज मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कोई बड़ी बात आपकी पार्टनर मान सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, आज मुलाकात हो सकती है, ये स्थिति बनेगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो कहीं डेट पर जाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। डेट पर जाने से पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण करिएगा और ख़ास करके आज कम बोलिएगा, अपने पार्टनर की बात ज़्यादा सुनिएगा, लव लाइफ भी ठीक रहेगी। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाइएगा और ख़ास करके कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, जो स्वार्थ भरी हो, जिसमें आपकी कहीं ना कहीं अपनी सेल्फनेस आपकी दिखे और बहुत ज़्यादा आप
सेल्फिश नजर आएँ, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आप किसी बड़े समझौते के साथ में अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन प्रपोज कर सकते हैं, लव लाइफ बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ में आप एक दूसरे से नाराजगी उत्पन्न कर सकते हैं, कोई मतभेद हो सकता है, उसके प्रति नाराजगी उत्पन्न हो सकती है, कोई पुरानी बात को लेकर के या फैमिली इशू को लेकर के नाराजगी उत्पन्न हो सकती है आपके पार्टनर की आपके प्रति। और ख़ास करके आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, और ख़ास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर फिजिकल रिलेशन ये सोचकर बनाना चाहते हैं आज के दिन कि वो व्यक्ति आपके साथ में लॉयल है और वो शादी करेगा ये वो, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आज के दिन स्थिति खराब हो सकती है, हो सकता है कि आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर ज़्यादा झूठ बोले और झूठ बोल करके झूठे वादे करके आपके साथ में फिजिकल रिलेशन इत्यादि को लेकर के बातचीत करना चाहे। आज जितने भी वो प्रॉमिस करें उनकी बात पर यकीन मत करना। ये स्थिति है दोस्तों आज के लव राशिफल की। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।